डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा स्माइल ऑन इनोसेंट फेस के तहत जरूरतमंद बच्चों को खिलौने और खाने का सामान वितरित किया गया। हमारा एक कार्य है, उसके तहत मानो अमीर आदमी पैसे वाला आदमी अपने बच्चों को खिलौने देता है, खाने के आइटम देता है, एक गरीब का बच्चा है वो ये देखता है, क्योंकि उसके माता पिता अपना गुजारे में ही पैसा उनके पास इतना होता है, गुजारा ही मुश्किल कर पाते हैं, तो उसके बच्चे को कहीं ना कहीं ये रहती है कि भाई मेरे को भी कुछ मिले, तो उसके लिए आज हमने ये खिलौने हैं, जैसे बैट बैट बॉल है, ये एक खिलौना है, इधर से खाने के लिए इसमें चिप्स हैं और कुरकुरे हैं, फ्रूटी है, बिस्किट है, नमकीन है, ऐसे आइटम हमने किए। आज जो ये एरिया चुना है, ये हमने इसलिए एरिया चुना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना झुग्गी और बस्ती बहुत ज़्यादा है, जैसे पुल के नीचे सादर आप देखो, उधर है कड़कड़डुमा में देखो, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे बहुत हैं इधर, तो हमने एरिया वाइज जो हमारे गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेम्बर हैं, इन्होंने ये एरिया किया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, और ऊपर आप देखना भी ऊपर काफ़ी कम से कम 300-400 बच्चे ऊपर हैं भी, और आज ये 25,777 किटें वितरित की जाएंगी। ये सन 1948 से चले आ रहा है, उसका उद्देश्य यही है कि मानवता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स बनाई है पूज्य गुरुजी ने, इसका मेन मकसद ये है कि इंसानियत की सेवा करना। आज 25,777 बांटी जाएंगी, इस पॉइंट में 1953 बांटी जाएंगी। तीनों गुरु हमारे एक ही हैं, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, ये हमारा नारा है। पहली पातशाही परम पिता श्याम मस्ताना जी महाराज, दूसरी पातशाही परम पिता श्याम सतनाम जी महाराज, अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इनका तीनों एक ही हैं। जैसे हमारा 25,777 आप आंकड़ा पूछेंगे, 25 हमारे परम पिता दूसरी पातशाही हैं, उनका जन्मदिन है, 7-7 का मतलब 7-7। ये अलग क्षेत्रों में इसलिए कर रहे हैं, जैसे अब हमने बताया यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे यहाँ हैं, उधर रोहिणी में किया, वहाँ भी जिस एरिया में जो हमने जैसे जूते कपड़े दिए, जहाँ भी जो मिलता है कि भाई यहाँ पे ये इस एरिया में मिलेंगे, गरीब थे वहाँ पे उनको हमने कपड़े वितरित किए हैं, और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं इसलिए यहाँ ये पॉइंट चुना गया कि भाई यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा झुग्गियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ दिया गया। हमारा पूरा दिसंबर महीना जो है ये याद मुर्शिद परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की याद में मनाया जाता है। इसमें ये जो पीछे बैठी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, ये एरिया तय करते हैं, और ये यही तय करते हैं कि भाई किसको अब इस टाइम पे ज़रूरत है, जैसे सर्दी के कपड़े दिए, किसी को राशन दिया, फूड बैंक से, क्लोथ बैंक से हम कपड़े देते हैं, और बेसहारा को मकान बना के देते हैं, जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है। पीछे जो आपके शास्त्र नाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी है, उनका यही कार्य है, वो यही करते हैं कि भाई किस एरिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। पैसा डेरे सच्चे सौदे की 5 से 6 करोड़ साथ संगत है, हर रोज़ 1 रुपया निकालते हैं वो है, और राशन भी देते हैं हम, 7 दिन में 1 दिन खुद भूखा रहते हैं, जितना पैसा बचता है उससे हम राशन देते हैं, गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं, जो हम 1 दिन बचाते हैं वो हम उस गरीब आदमी को खाना खिलाते हैं। सबसे पहले तो हमारे गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, अगर लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए, तो किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं है, और दरबार में बहनों की तरफ सारे काम बहनें करती हैं, भाइयों की तरफ सारे काम बहनें भाई करते हैं, कोई भी काम महिला हर काम कर सकती है। गुरुजी की शिक्षा महिलाओं के लिए सबसे पहली शिक्षा यही दी कि लड़के लड़की को समान माने, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशन सेंटर, फ्री स्टडी सेंटर, गरीब महिलाओं की शादी में मदद करना, युवा विधवाएं जो होती हैं उनकी दोबारा से विवाह करवाना, गरीब लड़कियों को अच्छे से शिक्षा देना, उनको हायर एजुकेशन भी देते हैं हम जरूरत पड़ने पर, और एक कुल का क्राउन हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है कि जैसे होता है कि लड़कों से वंश चलता है, लड़कियों से भी वंश चलता है, जैसा कि बहुत अच्छा महसूस होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरुजी ने एक्चुअली पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की शिक्षा से हम लोगों को, जब यहाँ पर आए तो हमने जाना कि किस तरह से इंसानियत के को ज़िंदा रखना है। एक पहले हम अपने लिए जीते थे, हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीना सच में इंसानियत। दिल्ली के माध्यम से
महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, किसी भी मायने में लड़के और लड़की में भेद मत कीजिए। हर काम जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। आप उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आत्मरक्षा के गुण सिखाइए, उनको डरने की बजाय उनको साहसी बनाइए।